नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 27 जून 2023 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080 नल, शक संवत 1945 सोपकृत, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, जो पूरे दिन रात रहेंगे। नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो 2:43 2:43 PM तक रहेंगे, उपरांत चित्रा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा जिसके स्वामी मंगल देव हैं। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे 3:28 AM 28 तारीख तक। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से लेकर 12:52 PM तक। अमृतकाल 8:13 AM से लेकर 9:57 AM तक। राहुकाल 3:18 PM से लेकर 5:01 PM तक। रात्रि राहुकाल 2:26 AM से लेकर 3:43 AM तक। आज वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त 1:38 PM से 10 बजे रात्रि तक का है। पश्चिम की यात्रा बड़ा ही शुभ है। आज आज के दिन भारत की उड़नपरी पीटी उषा का जन्म आज के ही दिन 1964 में हुआ था। आज के दिन महाराजा सिखों के गुरु महाराजा रणजीत सिंह का निधन आज के दिन 1839 में हुआ था। तो महाराजा रणजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज का राशिफल शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके छठे स्थान पर और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है 2:43 PM तक। चंद्रमा की राशि आपके चतुर्थ भाव की राशि है जहां मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। समय आपका अच्छा है। हालांकि बैंक से कर्ज लेने की कोशिश कर सकते हैं, जमीन जायदाद कर्ज लेके खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, मकान भी कर्ज लेके खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं आपके लिए इस समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तो बहुत बुरा भी नहीं है। लोहे के व्यापारी के लिए समय अच्छा है। जो व्यक्ति विशेष करके पॉलिटिक्स में है आपके लिए समय बहुत ही अच्छा होगा। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय घूमने फिरने, नए मकान नए गाड़ी खरीदने का है। कोई नई योजना इस समय बना सकते हैं। जमीन के व्यापारी के लिए बड़ा ही अच्छा समय है। कर्ज लेने की भी कोशिश इस समय कर सकते हैं आप, माता से बहन से कर्ज लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये समय बहुत बुरा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति बिल्डर हैं आपके लिए समय अच्छा है। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे। 2:44 PM से चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में नीच के होके बैठे हुए हैं। मंगल आपके कुंडली में बुध के ही नक्षत्र में है। तो 2:44 PM से 4:13 PM तक का समय, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन माता के स्वास्थ्य से थोड़ी से प्रॉब्लम जहाँ रह सकते हैं, वहीं जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। जो पुलिस सेवा में है लाभ होगा, जो लकड़ी का उद्योग करते हैं लाभ होगा। 4:13 PM से लेके 8:30 रात्रि तक का समय, ये समय थोड़े से तनाव में रहेंगे आप, गुस्से में रहेंगे आप, अपनों से थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे आप। कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति पॉलिटिशियन है आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होगा। आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उत्तेजना में कोई भी डिसीजन लेना आज के दिन उपयुक्त नहीं होगा। जो शिपिंग के व्यापारी हैं आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा। जो टूर एंड ट्रेवल्स के व्यापारी हैं आपके लिए भी अच्छा समय नहीं होगा। हर काम को सोच समझ के करें। आज के दिन आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप
हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती की ये मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, बड़ा ही श्रेष्ठ मंत्र है, इस मंत्र का जरूर पाठ करें, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा कन्या राशि में है और चंद्रमा 2:43 PM तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा की राशि आपके तीसरे भाव की राशि है, विदेश से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, ट्रेवलिंग से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, यात्रा से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है, विदेश से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपके लिए बहुत ही शानदार समय होगा। शेयर बाजार के लिए आज बड़ा ही शानदार समय होगा, शेयर मार्केटिंग के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन शेयर में काम करना, शेयर में पैसे फंसाना जोखिम का विषय है, अपने विवेक से करें। जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा, जो माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं आपके लिए भी समय अच्छा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है, पराक्रम भी आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन बढ़े हुए पराक्रम के कारण पड़ोसियों से झंझट करना, महिलाओं से झंझट करना कहीं से उचित नहीं होगा, लड़ाई झगड़े से थोड़े से बच के रहें। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो महिलाएं पुलिस सेवा में हैं, जो महिलाएं डॉक्टर हैं, आपके लिए समय बहुत ही उम्दा होगा। जमीन जायदाद के व्यापारी के लिए भी समय अच्छा है, जो मकान खरीदते हैं मकान बेचते हैं आपके लिए समय अच्छा है, जो सिंगर हैं फिल्मों में गाना गाती हैं गाना गाते हैं आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा, उच्चाधिकारी से आपको काफ़ी मदद मिलेंगे, सरकारी कर्मचारी से आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बस ध्यान रखें वाणी में कठोरता ना आनी चाहिए, वाणी सौम्य में रहनी चाहिए, आदेश देने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए आज के दिन। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तृतीय स्थान पर, काफ़ी पराक्रमी रहेंगे आप। मंगल बुध के नक्षत्र में है, बुध भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी के अच्छे ढंग से आप उपयोग करेंगे आज के दिन। जो लव अफेयर्स में है आपके लिए शानदार समय होगा, काफ़ी लाभ की स्थिति आपको उसमें भी हो जाएगी। साथ ही साथ व्यापारी के लिए आज बड़ा ही अच्छा समय है, जो स्कूल का व्यापारी है, जो फूड ग्रेन्स का काम करते हैं बहुत ही सुंदर समय है आपका, जो माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय हर तरह से बढ़िया समय है। 2:44 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल आपके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपकी कुंडली में व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको काफ़ी आज के दिन लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति केमिकल का काम करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, जो व्यक्ति प्लाईवुड सनमाइका का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, जो फर्नीचर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो पुलिस सेवा में है ट्रेनिंग के लिए विदेश जा सकते हैं। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, हर काम को सोच समझ के करेंगे आप, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन न लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम की शुरुआत नहीं करेंगे, किसी को लोन नहीं देंगे ना किसी से लोन लेंगे, हर तरह से सोच समझ के काम करेंगे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है आपका 6। आज के दिन आप मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, या हंगन मंते नमः रांग रामाय नमः का जाप करें और दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः,
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः का फिलाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर, पूरे दिन चतुर्थ स्थान पर रहेंगे चंद्रमा। आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा को अंजाम न दें तो ज्यादा अच्छा है। चंद्रदेव हस्त नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि आपके द्वितीय भाव की राशि है कर्क, जहां पर मंगल और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। मंगल भी अश्लेषा नक्षत्र के हैं, बुध के नक्षत्र के हैं, शुक्र भी बुध के ही नक्षत्र में है, बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आज के दिन काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप, काफ़ी नए प्रोग्राम बनावेंगे, जमीन जायदाद मकान से आपको लाभ होगा, दिन आपका काफ़ी अच्छा है। पैटर्नल प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे ढंग से आप मैनेज करेंगे तो आज का दिन बड़ा ही सुंदर दिन है। जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, शानदार दिन है। जो व्यक्ति विशेष करके केमिकल का काम करते हैं, जो व्यक्ति विशेष करके चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। माता से आपको काफ़ी लाभ होगा, पैटर्नल प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ होगा, जो फिल्मों में काम करते हैं काफ़ी लाभ होगा, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं काफ़ी लाभ होगा, लेकिन महिलाओं से झंझट राय की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं, शांति से काम करें। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये समय मान सम्मान बढ़ने का समय है आपका। हर काम में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो प्रशासन में है काफ़ी अच्छा समय होगा, जो डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छा समय होगा, विशेष करके जो हड्डी के डॉक्टर हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। एक आंख में थोड़े से प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें आप। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, नीच के होके मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन जमीन जायदाद से आपको लाभ कराएंगे मंगल। वाणी में थोड़ी सी कठोरता रहेगी तो वाणी की कठोरता को आप दूर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंश्योरेंस सेक्टर वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा, चर्म उद्योग वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। साथ ही साथ जो प्रशासन से लाइजनिंग का काम करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा लाभ होने की स्थितियाँ बनती हैं। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय लाभ का ही है, केवल लाभ का है। जमीन जायदाद से लाभ होगा, यहाँ तक कि आप गैर मजरूआ जमीन भी बेच देंगे आप तो। गलत काम तो हमेशा गलत होता है, गलत काम की ओर अग्रसर न हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये समय खास करके चर्म उद्योग वाले के लिए काफ़ी लाभदायक समय है। जो व्यक्ति विशेष करके माइंस और मिनरल्स का काम करते हैं, टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। आज के दिन आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है आपका 3। आज के दिन आप एक लोहे के बाल्टी से किसी लाल गाय को एक बाल्टी पानी पिलावे। साथ ही साथ आज के दिन आप सुंदर कांड का जरूर पाठ करें। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है सुंदर कांड का पाठ करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हंगन मंते नमः रांग रामाय नमः का जितना बार आप आसानी से पाठ कर सकें आप करें। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके कन्या राशि में, जो तीसरे भाव की राशि है आपकी, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा की राशि आपके लग्न भाव की राशि है। आज घूमने फिरने का काफ़ी प्रोग्राम बना सकते हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, विदेशों में भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। समय बुरा नहीं है, समय काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन किसी से झंझट लड़ाई कड़े वाणी बोलना आपके लिए कहीं से उचित नहीं होगा। खास करके महिलाओं से झंझट लड़ाई आपके लिए कहीं से उचित नहीं है। जो व्यक्ति प्रशासन में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से काम करते हैं, बिल्डर हैं, आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा। हर काम को सोच समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रशासन में है,
अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दें, आपके खिलाफ साजिश रचने को लोग तैयार रहेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके के लिए अच्छा समय होगा, जनता से आपको दुलार प्यार मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। 9:14 एम से लेकर 1:27 पीएम तक का समय, यह समय यात्रा का समय होगा। छोटे मोटे देश की भी यात्रा कर सकते हैं, पड़ोसी राज्यों की भी यात्रा कर सकते हैं, काफ़ी खुशमिजाज समय रहेगा इस समय आपका। ब्यूटी पार्लर के काम करने वाले को काफ़ी लाभ होगा, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, संचार माध्यम से काम करते हैं, आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। 1:27 पीएम से लेकर 2:44 पीएम तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं है, हर काम को सोच समझ के करें। यात्रा का भी समय है, जो प्रशासन में है ऑफिशियल यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हर काम को सोच समझ के ध्यान से करें। जो व्यक्ति शेयर सट्टा लॉटरी करते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, अपने विवेक से करें आप। 9:14 एम से लेकर 1:27 एम तक का समय अच्छा समय है। 1:27 पीएम से लेकर 2:44 पीएम तक का समय ठीक ठाक हैं आप। 2:44 पीएम से चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल आपके लग्न में राशि पर बैठे हुए हैं, थोड़े से गुस्सा ज़्यादा आपको आएगा, अपोजिट सेक्स की तरफ से ज़्यादा आपको गुस्सा झंझट राय की स्थिति बनती है, घटना दुर्घटना का भी योग बनता है। स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल अश्वलेशा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी बुध बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर। अब बुध मृगशिरा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी खुद मंगल हैं, 12वां का संबंध हो रहा है आपके लग्न से। वाहन सावधानी से चलावे वरना हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति आपकी बनती है। 4:13 पीएम से लेकर रात्रि 9 बजे तक का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी गुस्से में रहेंगे आप, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपका बाधा पड़ेगा। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में रहे आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। जो जूते चप्पल का व्यापार करते हैं, चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, अग्निशामक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। आज के दिन आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है आपका 9। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा का भी पाठ करने का समय नहीं है आपके पास, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप करें। संकट ते हनुमान छुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का पाठ जितना बार मन करे करे, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 2 स्थान पर कन्या राशि में, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र के हैं, चंद्रमा की राशि आपके 12वें भाव की राशि है, जहां पर शुक्र और मंगल देव बैठे हुए हैं और दोनों बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बुध देव आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति स्कूल के पेशे से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं, माइंस ऑफ मिनरल से जुड़े हुए हैं, जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, जो फूड ग्रेन्स के व्यापारी हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है, सेना में है, आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा, और साथ ही साथ आप काफ़ी पैसे खर्च कर सकते हैं, आप खर्च की काफी अधिकता रहेगी, महिलाओं पर भी काफी पैसे खर्च होंगे आपके। 9:14 एम से लेकर 1:27 पीएम तक का समय, यह समय खर्च की काफी अधिकता का समय है, जिससे आपको बचना चाहिए,
बिना मतलब के पैसे खर्च कर सकते हैं, महिलाओं पर भी ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, घर के सजावट पर बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं। तो खर्च की अधिकता का समय है, जो आपके लिए बाद में थोड़ी सी मुसीबत खड़ा करेगा। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय सर्वश्रेष्ठ समय है आपका। सरकारी कर्मचारी से लाभ होगा, जो बिल्डर हैं काफ़ी लाभ होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो फाइनेंसर में हैं, जो व्यक्ति विशेष करके फाइनेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेवा में है, एजुकेशन सेक्टर में है, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के चित्रा नक्षत्र में, मंगल देव आपके बाड़मेर में बैठे हुए हैं, समय अच्छा नहीं रहेगा। 2:44 PM से लेकर 4:13 PM तक का समय जमीन जायदाद का व्यापारी सोच समझ के काम करे, समय आपका कहीं से अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जो व्यक्ति पुलिस सेवा में है आपके लिए भी समय अच्छा नहीं है, जो सेना में है आपके लिए भी समय अच्छा नहीं है, हर काम को सोच समझ के करें। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय विदेश जाने का बड़ा ही प्रबल समय है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है आज पूरा दिन, जो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं पूरे दिन समय आपके लिए बेहतर से बेहतर है। जो लव अफेयर्स में है आपके लिए भी समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वाले, समय आपका बुरा नहीं है, जीवन साथी से थोड़े से तनाव रहेंगे लेकिन जीवन साथी से मदद भी मिलने की संभावना है, आपको ज़्यादा प्रबल है। आज के दिन आपका शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है आपका 3। आज के दिन आप विशेष करके हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, साथ ही साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें और दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करें। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमा श्रीयम रूपम देही, जयम देही यशो देही दिशो जयी। विदेही देवी कल्याणम, विदेही परमा श्रीयम रूपम देही, जयम देही यशो देही दिशो जयी। काफ़ी लाभ होगा दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि चंद्रदेव आपकी की राशि पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा की राशि आपके कर्क 11वें स्थान की राशि है, जहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा समय है आपका। हर क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं विशेष लाभ होगा, जो प्रशासनिक सेवा में है आपको विशेष लाभ होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको विशेष लाभ होगा, समय आज आपका बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में है, जो व्यक्ति चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय कहीं से अच्छा नहीं होगा। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय आपके लिए लाभ ही लाभ का समय है, काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप, हर तरफ से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, ये समय आपके लिए काफ़ी शानदार समय है। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, प्रशासन से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, जो बिल्डर हैं काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन जो बिल्डर हैं उनको लेबर प्रॉब्लम होने की संभावना है प्रबल है, जो लेबर सप्लाई का काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इंश्योरेंस सेक्टर वाले के लिए समय अच्छा नहीं है। 2:44 PM से चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, मंगल देव आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल आपके कुंडली में बुध के नक्षत्र में है, जो बुध आपके 10वें स्थान में बुद्धादित्य योग लगाए हुए हैं, समय काफ़ी अच्छा होगा आपका। लेकिन समय अच्छा होगा कर्म करना होगा, कुटुंब परिवार से थोड़े से आपको मतभेद रह सकते हैं। 4:13 PM से लेकर 8:03 PM तक का समय, ये समय अच्छा नहीं है, हालांकि अचानक धन प्राप्ति का योग है। आज के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से आपको कुछ लाभ होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, लकड़ी उद्योग वाले को लाभ होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, पुलिस सेवक को लाभ होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो दिन आज आपका बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। आज के दिन आप सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद मंगल के मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही साथ आज के दिन का शुभ रंग है आपका चमकीला और शुभ अंक है आपका 5। दिन आपका शुभ हो।
तुला राशि चंद्रदेव पूरे दिन आपके बारहवें स्थान में रहेंगे। कन्या राशि में हर काम को सोच समझ के करें, यात्रा न करें तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र के हैं, चंद्रमा की राशि कर्क आपके दशम भाव की राशि है, जहाँ मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। विदेश से अच्छा लाभ होने की संभावनाएं आपकी प्रबल हैं, विशेष करके जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, जो धागे का काम करते हैं, जो रेशम का काम करते हैं, विदेश से आपको लाभ होगा। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको NRI से काफ़ी लाभ होने की स्थिति उनकी भी बनती है। जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव रह सकता है आपको। जो डॉक्टर हैं, जो बिल्डर हैं, जो कैश क्रॉप का काम करते हैं, आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा होगा। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय बुरा नहीं है। जो मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। जो विशेष करके फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। विदेश से अच्छे समाचार सुनने की स्थिति में आप रहेंगे। 2:44 PM से चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल आपके नीच होकर बैठे हुए हैं दशम स्थान पर, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर को काफ़ी लाभ दिलाएंगे, पुलिस सेवक को काफ़ी लाभ दिलावेंगे। जो व्यक्ति केमिकल का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छा समय होगा। 4:13 PM से लेकर 9 PM तक का समय, ये समय पार्टनरशिप के व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, लेकिन पार्टनर से आपको झंझट राय होने की भी संभावना है, प्रबल है। पार्टनर पर बिना मतलब के शक भी कर सकते हैं आप, जिससे पार्टनरशिप में कुछ खटास पैदा होने की संभावनाएं हैं। आज के दिन आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है आपका 1। आज के दिन आप मंगलवार का दिन है, आज के दिन भगवान शिव पर अनार का रस चढ़ावें, भगवान शिव पर शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ावें या मद चढ़ावें और इस मंत्र का जाप करें, जुं शह ओम जुं शह ओम जुं शह ओम जुं शह। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती की इस मंत्र का जरूर जाप करें, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वशार्थी हरि देवी नारायणी नमस्तुते। आज के दिन काफी लाभ होगा आपको। अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक समय का भोजन कराते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या बुजुर्ग पुरोहित को, बुजुर्ग पंडित को एक समय का अपने हाथ से भोजन कराते हैं, तो काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव आपके 11th स्थान पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में। चंद्रमा की राशि आपके भाग भाव की राशि है, बहुत अच्छा समय है आपका। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ हो सकता है। साथ ही साथ जो पुलिस सेवा में है, लकड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं, सनमाइका उद्योग से जुड़े हुए हैं, प्लाईवुड से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक के काम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफी अच्छा समय है। हर तरफ से आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा। पिता के लिए आज समय अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति बिल्डर हैं, आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा। कैश क्रॉप का काम करने वाले के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं है। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय काफ़ी अच्छा समय है आपका। हर काम में सफलता मिलेगी, विशेष करके शेयर सट्टा लॉटरी में भी विशेष सफलता मिलेगी। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये समय कहीं से अच्छा नहीं होगा आपका। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से न उलझें। जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर तरह से शांत रहें और सोच समझ के काम करें। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। पुलिस सेवक को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो लकड़ी के व्यापारी हैं, फर्नीचर के व्यापारी हैं, प्लाईवुड का काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करती हैं, आपके लिए भी अच्छा समय होगा। फिल्मों में काम करने वाले के लिए काफ़ी अच्छा समय है।
1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, यह समय कहीं से अच्छा नहीं है। हर काम को बिल्कुल सोच समझ के करें जो प्रशासन में है, किसी तरह का कोई रिस्क न लें। हर काम को सोच समझ के करें। दवा व्यापारी के लिए समय कहीं से अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति बोरिंग का काम करते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकालने का काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा होगा। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, और मंगल बैठे हुए हैं आपके भाग भाव में। मंगल बुध के नक्षत्र में है, बुध देव बैठे हुए हैं आपके अष्टम में, तो बुद्धि तो काफ़ी तीव्र रहेगी, लेकिन आज के दिन किसी तरह का निवेश आपको करने से बचना होगा। जमीन जायदाद में भी निवेश करने से बचना होगा इस समय। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय काफ़ी धुनी रहेंगे आप काम करने के लिए। जब तक काम खत्म नहीं होगा, काम का अंजाम जब तक नहीं मिलेगा, तब तक काम को नहीं छोड़ेंगे आप। खास करके जो धर्म गुरु हैं, योग गुरु हैं, आपके लिए अच्छा समय है। जो बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक आपको आज बहुत तंग कर सकता है। शत्रुओं का समन ऑटोमेटिक होगा। संचार माध्यम से काम करने वाले को विशेष लाभ होने की संभावनाएं नहीं है। जो एजुकेशन सेक्टर में, आपके लिए समय कहीं से अच्छा नहीं होगा। जो व्यक्ति वकील हैं, आपके लिए भी समय कहीं से अच्छा नहीं होगा। हर काम सोच समझ के करें। आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। आप किसी भी कीमत पर सुंदरकांड का पाठ करें, और हंगन मंते नमः रंग रामाय नमः का जाप जरूर करें। आज के दिन आपका शुभ रंग है लाल, और शुभ अंक है आपका 2। दिन आपका शुभ हो। धनुराशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर, और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि कर्क आपके कुंडली में अष्टम भाव की राशि है। हर काम को सोच समझ के करना होगा। मन बेचैन रहेगा। कार्य क्षेत्र में हानि होने की संभावनाएं हैं। यात्रा का योग है, यात्रा से आपको लाभ होगा। किसी के साजिश के शिकार न हो, न किसी से साजिश करें। जो पुलिस सेवा में, आपके लिए समय अच्छा नहीं है। जो जमीन जायदाद का काम करते हैं, आपके लिए कहीं से समय अच्छा नहीं है। हर काम को सोच समझ के करें। खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी, जिससे आपको काफ़ी परेशानी महसूस होगी। जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो लव अफेयर्स में है, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। जो चर्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा नहीं है। महिलाओं पर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी भी महिलाओं का अपमान न करें, झंझट राय से आप बिल्कुल दूर रहें। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये समय पार्टनरशिप के व्यापार के लिए शानदार समय है। जो बिल्डर हैं, आपके लिए समय शानदार है। जो सरकारी सेवा में है, डॉक्टर हैं, आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी समय ये काफ़ी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर ये समय काफ़ी अच्छा है। 2:44 PM से चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल बैठे हुए हैं आपके अष्टम स्थान पर। मंगल आपकी कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपकी कुंडली में व्यय स्थान के स्वामी हैं, तो मंगल एक तरह से विपरीत राजयोगी पैदा कर रहे हैं। लेकिन संतान के लिए अच्छा समय नहीं होगा आपका। जमीन जायदाद के व्यापार में सोच समझ के अपने रिश्ते से काम करें आप। झंझट राय तो बिल्कुल ही ना करें किसी से भी। किसी के खिलाफ कोई साजिश ना करें। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय थोड़े से संतान से आपको परेशानी हो सकती है। संतान आपके विदेश जा सकते हैं। जिनके संतान बेरोजगार हैं, आज के दिन रोजगार मिलने की संभावना है। जो वकील हैं, आपके लिए शानदार समय होगा। जो टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन आप मंगल के मंत्रों का जरूर जाप करें। ओम क्रौम क्रीम क्रौम सब होमाय नमः। ओम क्रौम क्रीम क्रौम सब होमाय नमः। साथ ही साथ
दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देही जयम देही यशो देही रिशो देही। कम से कम 108 बार जाप करें, काफी लाभ होगा। आज के दिन आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है आपका 1, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, कन्या राशि हैं बैठे हुए हैं, चंद्रमा हस्त नक्षत्र के हैं जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा ही हैं। चंद्रमा की राशि आपकी कुंडली में सप्तम भाव की राशि है। व्यापार से आपको काफ़ी लाभ होगा, माता जी से काफ़ी लाभ होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो प्रशासन में है उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो दवा के व्यापारी हैं काफ़ी अच्छा समय है। जो व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं काफ़ी अच्छा समय है। जो व्यक्ति वकील हैं आपके लिए शानदार समय है। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय बड़ा ही शानदार समय है आपका। महिलाओं से आपको काफ़ी लाभ होने जा रहा है, व्यापार से काफ़ी लाभ होने जा रहा है। नए जमीन नए गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बना सकते हैं आप। तो ये समय कॉस्मेटिक के व्यापारी को, ब्यूटी पार्लर जो चलाती हैं, बुटीक जो चलाती हैं, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा समय होगा। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन शत्रु अपने आप भागेंगे आपसे। जो प्रशासन में है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है आपका। 2:44 PM के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में जिसके स्वामी मंगल है। मंगल आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। जीवन साथी से तकरार हो सकती है, जीवन साथी से न लड़ें, किसी भी महिलाओं से झंझट ट्राई न करें, उलझने पैदा न करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति प्लाईवुड का काम करते हैं, फर्नीचर उद्योग से जुड़े हुए हैं, केमिकल उद्योग से जुड़े हुए हैं, पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, सेना से जुड़े हुए हैं, अग्निशामक विभाग से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल काम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। तो 2:44 PM से लेकर 4:13 PM तक का समय काफ़ी अच्छा समय है आपका। 4:13 PM से लेकर 9 PM तक का समय, इस समय हर काम को सोच समझ के करें, लाभ होने की संभावनाएं तो हैं लेकिन झंझट राय होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ किसी साजिश के शिकार भी हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। हर काम को ध्यान से करें आप। आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ किसी भी कीमत पर करें, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आज के दिन शुभ रंग है आपका उजला और शुभ अंक है आपका 3, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, पूरे दिन अष्टम में बैठे हुए रहेंगे। चंद्रमा 3:28 सुबह 28 जून को कन्या से तुला में जाएंगे, तो पूरे दिन आपके लिए चंद्रमा अष्टम में है। चंद्रमा आप नहीं नक्षत्र में है, चंद्रमा की राशि आपके छठे भाव की राशि है। आज के दिन किसी भी कीमत पर यात्रा ना करें आप। जमीन जायदाद के व्यापारी के लिए अच्छा समय होगा, लेकिन खर्च की काफ़ी अधिकता आपको रहेगी। खर्च की अधिकता से आप काफ़ी परेशान होंगे। जो एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बिल्डर हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। लव अफेयर्स वाले के लिए भी समय बुरा नहीं होगा, लेकिन ईगो का टकराव आप में होगा जिससे आपका संबंध कुछ देर के लिए बिगड़ सकता है। विदेश से आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय तो नहीं है लेकिन बुरा समय नहीं है। थोड़े से मौज मस्ती में ज़्यादा रहेंगे, खर्च की काफ़ी अधिकता रहेगी, महिलाओं से झंझट लड़ाई हो सकता है, जीवन साथी से थोड़े से टकराव हो सकते हैं आपको। विशेष करके भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन सुख में कोई कमी नहीं आएगी। 1:27 PM से लेकर 2:44 PM तक का समय, संतान से थोड़े से इस समय कष्ट होने की संभावना है, संतान को थोड़े से चोट लगने की संभावनाएं हैं। बहते पानी में न नहाए न संतान को भेजें। स्विमिंग पूल से आज अवॉइड, स्विमिंग पूल को थोड़ा सा अवॉइड करें आज के दिन आप।
समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो प्रशासन में है उनके लिए समय अच्छा है, जो बिल्डर है उनके लिए समय अच्छा है, जो व्यक्ति कैश क्रॉप का काम करते हैं आपके लिए समय अच्छा है। 2:44 PM के बाद चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, मंगल देव आपके छठे में बैठे हुए हैं, शत्रु का ऑटोमेटिक समन होगा। लेकिन महिलाओं से आपको झंझट रही होगी काफ़ी, तो इससे आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन बहुत सारे युवा युवती खुद से शादी ब्याह कर सकते हैं, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी शादी ब्याह आज के दिन कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं एक शादीशुदा होने के बाद भी, तो ये गलत है। 4:13 PM से लेकर 8:03 PM तक का समय, यह समय पराक्रम के लिए काफी अच्छा समय है, शत्रुओं का हनन करने के लिए काफी अच्छा समय है, यात्रा के लिए काफी अच्छा समय है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है आपके लिए काफी अच्छा समय है, जो जूते चप्पल के व्यापारी हैं आपके लिए काफी अच्छा समय है। तो आज के दिन समय आपका उतना बुरा नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा और या सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए अति आवश्यक है आज के दिन। अगर सुंदर कांड को पढ़ने का समय आपके पास पूरा नहीं है तो कम से कम 1008 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम हंगन मंते नम रांग रामाय नम, ओम हंगन मंते नम रांग रामाय नम, ओम हंगन मंते नम रांग रामाय नम। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें आप। ओम दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ओम दुंग दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, काफी लाभ होगा। आपके लिए शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है आपका 1। आज के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को एक पीला धोती दान करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पर, चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में, चंद्रमा की राशि आपके पंचम स्थान की राशि है, संतान को काफी लाभ होगा, संतान से भी आपको काफी लाभ होगा। बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत दिन से शादी का इंतजार कर रहे थे खुद से लव मैरिज कर सकते हैं, घर से भाग के शादी कर सकते हैं। जो व्यक्ति पहले से हृदय रोगी हैं हर काम को थोड़ा सोच समझ के करेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, आज के दिन वाणी में आपकी थोड़ी सी सौम्यता रहेगी, कुछ धार्मिक वाणी ज़्यादा बोलेंगे आप। शनि की सरसादी चल रही है, शनि भी राहु के नक्षत्र में है, शनि रेट्रोगेट हो गए हैं, राहु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, जमीन जायदाद से थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि वाणी आज के दिन आप सोच समझ के ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी वाणी की अभद्रता से आपको बचना होगा। 9:14 AM से लेकर 1:27 PM तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय है आपका, खास करके जो प्रशासन में है काफ़ी अच्छा समय है आपका, जो बिल्डर हैं काफ़ी अच्छा समय है, जो टूर एंड टूरिज्म का काम करते हैं काफ़ी अच्छा समय है, जो कैश क्रॉप का काम करते हैं काफ़ी अच्छा समय है, जो डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन जो हृदय रोगी हैं हर काम को सोच समझ के करेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, डॉक्टरों की सलाह में ज़्यादा रहेंगे। आज के दिन आँख में भी आपके प्रॉब्लम होने की संभावनाएँ ज़्यादा प्रबल हैं। 2:44 PM से चंद्रमा चले जाएंगे चित्रा नक्षत्र में, जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल आपके कुंडली में श्लेषा नक्षत्र के हैं, जिसके स्वामी बुध आपके कुंडली में चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। संचार माध्यम से आपको काफ़ी लाभ होगा, जो पत्रकार बंधु हैं काफ़ी लाभ होने जा रहा है, जो एजुकेशन सेक्टर में है फाइनेंस सेक्टर में है आपके लिए भी अच्छा समय है। 4:13 PM से लेकर 9 रात्रि तक का समय, ये समय कुटुंब परिवार से थोड़े से आपको मतभेद रह सकते हैं, लेकिन जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा। वाणी में आपकी सौम्यता तो नहीं रहेगी, लेकिन पहले की तरह अभद्र वाणी भी नहीं रहेगी आपकी। जो व्यक्ति जूते चप्पल के व्यापारी हैं, केमिकल के व्यापारी हैं, आपके लिए काफी अच्छा समय होगा, लेकिन आपके आंख में प्रॉब्लम होने की स्थिति बनती है तो आंख के डॉक्टर से जरूर मिले। आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, जय तुंग देवी चामुंडे जय भूता दियारणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमस्तुते। साथ ही साथ हंगन मंते नम रांग रामाय नम, हंगन मंते नम रांग रामाय नम का जाप करें, ज्यादा लाभ होगा आपको। साथ ही साथ आज के दिन आप गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। आज के दिन
आपका शुभ रंग है उजला और शुभ अंक है आपका 6, दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।